और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमा में पार्टी है और एक गरिमा में दो लाइन में जवाब समझी, बात खत्म हो रहा है। नहीं हूँ और इसलिए नहीं करती, ठीक है। चीन चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकती है तो करिए, प्लीज। मैं ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, दो लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकर पंथी करेंगे। इसकी जरूरत है, जल्दी से समझिए। वक्त इस अनपढ़ महिला ठीक है, संबित जी दो लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं लाइन पे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा इस देश में भाई, इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके है? मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करो संबित पात्रा, सवालों का जवाब दो, परेशान मत हुआ करो सवालों से। आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां ठीक है, फिगर्स कोट करना, आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ देते हैं। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहता है उसका आप मुकाबला करते हैं अपनी एजेंसियों के जरिए, ठीक है। प्लीज जवाब लेते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसे लोग जो गोडसे के भक्त हैं उनके आपके आपके जो सर्वोच्च लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। अरे अंजना जी, आप तो मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट पांच डिबेट निकाल दीजिए, टुच्ची कमीना पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? तेरा बाप कुछ नहीं किया। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूँ। बोलने की आजादी सबको है, ठीक है, लेकिन उसी बोलने की आजादी से जब हमारे देश में, गांधी के देश में गोडसे के उपासक गोडसे की जय जयकार करते हैं, उनको मोदी और शाह जी कैसे फॉलो करते हैं? जरा मुझे बताइए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा इस देश में भाई, इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके है? मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करो संबित पात्रा, सवालों का जवाब दो, परेशान मत हुआ करो सवालों से। आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां ठीक है, फिगर्स कोट करना, आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ देते हैं। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहता है उसका आप मुकाबला करते हैं अपनी एजेंसियों के जरिए, ठीक है। प्लीज जवाब लेते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसे लोग जो गोडसे के भक्त हैं उनके आपके आपके जो सर्वोच्च लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। अरे अंजना जी, आप तो मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट पांच डिबेट निकाल दीजिए, टुच्ची कमीना पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? तेरा बाप कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मनी शंकर अय्यर को पाकिस्तान, मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तड़तड़ा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार, ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मनी शंकर अय्यर का? गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मनी शंकर अय्यर का। अरे कुछ नहीं किया अंजना जी, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी दो दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे, ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बचाने की कोशिश ना करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ अंजना जी, मैं आ जाऊँ क्यों? एक सेकंड अंजना जी, आप आ जाइएगा, आप तो आ ही जाती हैं। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अंजना जी मैं बोल रहा हूँ।
अंजना जी क्या कारण जो 2008 पूरा कर ले सुप्रिया जी, वो पूरा कर ले अंजना जी, आप बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा 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 ठीक है हम ही है। क्या कर रहे थे 2008 में, माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए, क्या कारण है मैं ये पूछता हूँ। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य को देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। आजिए ठीक है, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी से इस पर, क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी मैं आ जाओ। सुप्रिया जी अंजना जी मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेपसांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके, क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेपसांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबल्लीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी, क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय दो लाइन में जवाब समझ जी बात खत्म हो रहा है नहीं हूं, और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं ठीक है चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए, प्लीज। मैं आप ये चिल्लाएंगी बोलने नहीं देंगी लास्ट में, दिखा पा रहे हैं सांसद की कमी है सुप्रिया जी। दो लाइन में जवाब, चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकर पंती करेंगे और अपमान दो लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। लाइन पे क्या बोल रहे हो ये सुप्रिया जी? क्या है ये सुप्रिया जी का कीड़ा? अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं दो लाइन में?